हिंद आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। आजादी के जश्न में जो है वो पहाड़ी कबीले की तरफ से आज एक बड़ी तिरंगा रैली इस समय जो है वो जम्मू में यहां पर निकाली जा रही है। और वहीं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक इस समय की जम्मू के बहु एरिया से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय जो है पहाड़ी कबीले की तरफ से एक बड़ी तिरंगा रैली यहाँ पर जो है वो आजादी के जश्न को लेकर इस समय यहाँ पर जो है वो निकाली जाती हुई। बलिदान स्तंभ की ओर ये इस समय रैली जो है वो बढ़ती हुई और जोश आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर इस समय यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा सब क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए आज सारा पहाड़ी कबीला यहाँ पे जम्मू में इकट्ठा हुआ है और एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है। और आज के दिन में हम माननीय अमित शाह जी को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी को दोबारा ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बिल जो हमारा टेबल हो चुका है जिसके लिए हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, आने वाले सेशन के अंदर जल्द से जल्द ये बिल पास हो और पहाड़ी कबीले की जो है दरीना मांग पूरी हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पहाड़ी कबीले ने यहाँ पे तिरंगा रैली निकाली है। हम पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक देते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहाड़ी कबीले का कानून साफ किया जाए। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में हमारा बिल इंट्रोड्यूस किया और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सेशन में हमारा बिल पार्लियामेंट पास हो। आज खुशी दुगनी, आज हमें बहुत खुशी है क्योंकि 15 अगस्त का आने वाला है कल और जम्मू कश्मीर बिल्कुल पीसफुल जिस तरह से ये 15 अगस्त बना रहा है जिसे तिरंगा रैली निकल रही है। हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि वो तरक्की की राह पर चल पड़े हैं और हमें उम्मीद है कि पहाड़ी कबीले को एसटी मिलने के बाद हमारी भी तरक्की होगी और हम भी सबके साथ मिलकर जाएंगे। पहाड़ी कबीले द्वारा इस समय जो वो बड़ी आजादी के जश्न को लेकर एक तिरंगा रैली इस समय यहाँ पर निकाली जा रही है और जम्मू यूनिवर्सिटी से होते हुए ये रैली जो है इस समय यहाँ पर बलिदान स्तंभ में यहाँ पर जो है पहुंच चुकी है। आजादी का जश्न आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस का अमला भी इस तिरंगा रैली में यहाँ पर मौजूद है। SHO आरती ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद है और वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी कबीले द्वारा यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ साथ इस समय रैली को जो है आगे बढ़ाया जाता हुआ। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज तमाम पहाड़ी कबीले के लोग जम्मू में जो है वो यहाँ पर आजादी के जश्न को लेकर सड़कों पर हैं और उम्मीदें हैं कि जो भी अब फैसला आएगा वो इनके हक में होगा। क्या कहना चाहेंगे? जिंदाबाद। ये जो आज रैली निकाली गई है ये तिरंगा रैली हम पहाड़ियों की कबीले की तरफ से निकाली गई है तो हम इसमें सारे मशगूल सारे इकट्ठे होकर एक रैली निकाल रहे हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये आकिब साहब बताना चाहेंगे इस बारे में। हम यही कहना चाहते हैं कुछ नहीं। देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भाई साहब भी आए हैं लेकिन शायद इन्हें इस रैली के बारे में पता नहीं है। ये आज हम तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि पहाड़ी कौम ने देश को बॉर्डरों पे जान दी है अपनी और हिंदुस्तान के बॉर्डरों को बचाया। जी जी, तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तिरंगा रैली इस समय जो है पहाड़ी कबीले की तरफ से जम्मू यूनिवर्सिटी से निकाली गई है जो कि बलिदान स्तंभ के पास यहाँ पर आकर जो है वो खत्म हुई है। तो फिलहाल आप लोग भी जय हिंद जय भारत जरूर लिखे, हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखे। कैप्टन प्रतिभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।